अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको गुलिवर एंड द लिटिल पीपल का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। हमने पहले आपको पहला पार्ट पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, आज हम आपको इस वीडियो में आपको सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने देखा था गुलिवर जो था उसने खाना वाना खाया था। गुलिवर को छोटे लोगों ने पकड़ लिया था क्योंकि उसका जहाज़ टूट गया था तूफान में, तो उसने खाना खिलाया था, फिर उन लोगों ने छोटे लोगों ने उसको, उसके बाद वो सो गया था। अब हम उसकी आगे उसकी स्टोरी सुनते हैं। द लिटिल पीपल वॉन्टेड टू टेक गुलिवर टू देयर किंग। छोटे लोग जो थे वो क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो गुलिवर को अपने बादशाह के पास ले जाएं। वो लिव्ड इन द बिग सिटी, जो बड़े शहर में रहता था। व्हेन ही वॉज एस्लिप, जब वो सोया हुआ था, दे मेड अ बिग प्लेटफॉर्म, उन्होंने एक बड़ा सा चबूतरा बनाया विद व्हील्स, पहियों के साथ। इट वॉज बिग इनफ टू कैरी गुलिवर, ये काफ़ी बड़ा था, गुलिवर को ले जाने के लिहाज से काफ़ी था। इट वॉज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ियों से बनाया गया था। बाई 500 कारपेंटर्स, 500 कारपेंटरों ने इसको बनाया था, बढ़ई ने बनाया था। दे लिफ्टेड गुलिवर ऑन टू द प्लेटफॉर्म, उन्होंने गुलिवर को लिटा दिया प्लेटफॉर्म पे। एंड हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस पुल्ड द प्लेटफॉर्म, और सैकड़ों घोड़ों ने चबूतरे को खींचा। अलॉन्ग द रोड पर टू द सिटी, शहर की जानिब। गुलिवर वॉज स्टिल एस्लिप, गुलिवर अभी भी सोया हुआ था। गार्ड्स रोड ऑन हॉर्सेस, मुहाफिज जो थे वो सवार थे घोड़ों पर, ऑन ई साइड हर तरफ। सम कैरिड बोज एंड एरोज, कुछ कमान और तीर लिए हुए थे। अदर्स कैरिड टॉर्चेस, बाकायदा जो थे वो क्या लिए हुए थे, मशाले लिए हुए थे। मशाल होती ना आग जिन पे चली हुई होती। व्हेन दे रीच द सिटी, जब वो शहर पहुँचे, दे मेट द किंग, वो बादशाह से मिले। ही टोल्ड ऑफिसर्स टू टेक गुलिवर टू द बिगेस्ट टेम्पल इन द लैंड, बादशाह ने हुक्म दिया अपने अफसरान को कि वो गुलिवर को ले जाएँ ज़मीन पर, यानी उनकी सरजमीन पर जो सबसे बड़ा गिरजाघर था उसमें ले जाएँ। नो हाउस वॉज बिग इनफ फॉर गुलिवर टू लिव इन, क्योंकि कोई भी घर जो था वो काफ़ी बड़ा नहीं था गुलिवर के रहने के लिहाज से। बट ही वॉज एबल टू क्रीप इन साइड द टेम्पल, लेकिन वो इस काबिल हो पाता कि वो गिरजाघर में रींग सकता था, लेटे लेटे इधर उधर हो सकता था। एंड लाई डाउन और लेट सकता था। नो बेड वॉज बिग इनफ फॉर गुलिवर, कोई भी बिस्तर गुलिवर के लिहाज से बड़ा नहीं था। द किंग टोल्ड द मैन, बादशाह ने आदमियों को बताया टू मेक अ बिग बेड, कि उसके लिए को हुक्म दिया कि एक बड़ा बिस्तर बनाए। दे टुक 600 बेड्स, उन्होंने 600 बिस्तर लिए। एंड फास्टन देम टुगेदर, उन्हें एक साथ जोड़ दिया। गुलिवर लिव्ड अमंग द लिटिल पीपल फॉर सम टाइम, कुछ अरसे के दौरान गुलिवर छोटे लोगों के दरमियान रहा। देन वन डे, तब एक दिन, वन ऑफ द लिटिल पीपल केम टू सी गुलिवर, छोटे लोगों में से एक मिलने आया गुलिवर से। ही लुक वेरी सैड, वो दिखता था बहुत अफसरदा। देयर इज़ गोइंग टू बी अ वार, वहाँ एक जंग होने वाली है, सैड उसने कहा। द पीपल हु लिव ऑन एन आइलैंड, लोग जो जजीरे के उस तरफ रहते हैं अक्रॉस द सी, समंदर के पार, आर गोइंग टू फाइट अस, हमसे लड़ने आने वाले हैं। दे आर गोइंग टू सेल हेयर, वो यहाँ आने वाले हैं इन देयर शिप्स, अपने जहाज़ों में, एंड अटैक अस, और हम पर हमले करने वाले हैं। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सैड गुलिवर, गुलिवर ने कहा। ही बेंट सम आयरन बार्स, उसने कुछ लोहे के सलाखें मोड़ी। एंड मेड 50 हुक्स, और बनाए 50 हुक। ही फास्टेंड ईच हुक टू ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसने जोड़ दिया, बांध दिया हर एक हुक को एक रस्सी से, आंकड़े को एक रस्सी से बांध दिया। देन ही स्वाम अक्रॉस द वाटर टू द एनिमी आइलैंड, तब वो तैरता हुआ गया पानी में जुस्मन के जजीरे तक। ही फास्टेंड अ हुक टू ईच शिप, उसने हर एक जहाज से एक हुक बांध दिया। एंड देन पुल द शिप बैक अक्रॉस द सी टू हिज फ्रेंड, और खींचता हुआ ले गया जहाज़ों को वापस अपने दोस्तों के पास, समंदर के पास, अपने दोस्तों की तरफ। नाउ द एनिमी कैन नॉट अटैक यू इन देयर शिप्स, अब दुश्मन आप पर अपने जहाज़ों में हमला नहीं कर सकता, ही सैड, उसने कहा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, बादशाह बहुत खुश हुआ। ही आज गुलिवर टू ब्रिंग बैक सम मोर एनिमी शिप्स, बादशाह ने उससे कहा कि वो मजीद दुश्मन के जहाज लेकर आ जाए। बट गुलिवर सैड नो, लेकिन गुलिवर ने मना कर दिया। ही डिड नॉट लाइक वॉर, उस जंग पसंद नहीं थी। सम ऑफ द लिटिल पीपल बिकेम एंग्री विद गुलिवर, छोटे लोगों में से कुछ छोटे लोग जो थे वो गुलिवर से नाराज़ हो गए। एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और चाहने लगे कि उसको मार डालें। सैडली गुलिवर डिसाइडेड टू लीव द लैंड ऑफ द लिटिल पीपल, अफसरदगी से गुलिवर ने फैसला किया कि वो छोड़ देगा ज़मीन छोटे लोगों की। वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ बोट, उसे मिल गई एक छोटी सी कश्ती, फ्लोटिंग नियर द सी शोर, जो बह रही थी समंदर के किनारे। ही सेल्ड आउट टू सी इन दिस, वो समंदर में इसमें बैठ कर रवाना हो गया। ए बिग शिप फाउंड हिम, एक बड़े जहाज़ ने उसको पा लिया। एंड टुक हिम बैक टू इंग्लैंड, और वापस ले गया इंग्लैंड। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें बताइएगा, हमारी वीडियोस देखिए। इसमें आपके लिए कहना चाहिए दो हिसाब से
फ़ायदेमंद है ये वीडियो। एक तो इसमें कहानी है, सेकेंडली इसमें आपके लिए इल्म भी है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव होगी। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।